नाथलितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्त्रितालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये जयतां सुरतरूपङ्गौर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यदवृन्दारण्यकल्पतरुमाधव श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठलिभिमान् स्मरामि श्रीमान् रासरसरम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणुशनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंद से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्री हरि कीर्तनी रहे न मगन महामत मनि रोमांचकम पासु हाय गौर प्रेमी बंद से गुरु चरण कमल सदरस जिनी विग्रह सेवनी श्रृंगार दिया मंदिर मार्जनी करे ननी युक्त अनुगत जनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वतुशल पेयर समय प्रसादन कृष्ण अति स्वादु हरे भक्त स्वादनी निज तृप्त रहे बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुनी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लोकसिकिनी अन प्रतीक्षणी बंदी से गुरु चरण कमल ब्रज युव रति संवर्धनी जुक्ति करे सखी सनि वृंदावनी
अति दत्तताए प्रियतमा गणी वंदिते गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाय श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भवे सैयारूप किंतु जिनि प्रभु प्रियतमा रूप वंदिते गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जार प्रसाद अन्य गति नाही त्रिसंध्या तीर्थिरा सब धनी भाई वंदिते गुरु चरण कमल गुरुदेवास्तक अति जत्न करी ब्राह्मी मुहूर्ते परे वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु भी पाल वंदिते गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव कृष्ण है प्रचारी
सदरो चित्त मरोता गुरु परंपरा गुरु कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गगर सुगदधि गौभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवदायकारी सपर्षद श्रियाम दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरण गति भक्ति प्राण धन आत्मनिवेदन वक्ति वरण अवचर शिव कृष्ण विश्वास फल अनुकूल मात्र सुकार भक्ति प्रतिकूल भाव भजनांगिकार तरंग शरणागति आई बेजहार सहार प्रार्थना सुने त्रिनंद कुमार सनातन पद दंतत्रिणकारी भक्ति विनोद परिपादारी कन्हैया कन्हैया बोले कविता धाम सिखाए शरणागति कराए गौरंग बोली ते हवे फुला का शरीर हरि हरि बोली ते ना प्यारी बाबनीर हर का बनी ताय चांद करुणा हरिवे संसार वास नाम सब कुछ विषय छिया सब शुद्ध अभिमान सब हेरव श्री वृंदवन रूप रघुनाथ पद हाइवे आकोते सब हम बुझ जुगला फिरी रूप रघुनाथ प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास निताई गो नमनिया निताई गो नमानी आनिया प्रेम आइला गौर देते भकत गन दिनाही न भाते दिनाही न पति पापा मरनाही बाते ब्रह्मा रघुलव प्रेम सब कर जाते अवध करुणा
काटिया बुमाना घर घर भोले प्रेमा हमी आर बाना लोचन बोले मोरनी देवाना भजीला जानिया सुनिया ते आत्मघाती हरे दयालुता राधा कृष्ण प्राण पुस्तक नहीं ना निकाल राधा कृष्ण प्राण राधा कृष्ण प्राण जुगल के कर जीवन मारनी गति हर नहीं मोर कालिंदीर खुले के कदम बेरवन रतन बेदीरासन श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदनी राम रुलाव करेव मुख चंद्र कंतिया मल तिरमाला दिव दुआर ग आधार को ले आजीव कर्पूर तमोले ललिता विशाखारी जत सचिवेल आज्ञाय करीब सेवा चरण रविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु शास्त्री अनुदात सेवा विरत करे नरोत्तम दास जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मधुकर पंकज मकरंदे मन कृष्णदेव भगवंत वंदे कृष्णदेव भगवंत आज जिमिपति नवन खद्र मरी सम्मत वाचुत तदपि कृपा कवि कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं आभसि रुदन्ति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे न त्वयि मम तिलमात्रे परमेश्वर तातदपि तवाधित दुर्घट घटन विधात्रे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव आयमभिलोलकादशनाथन कलितभूतरसभाय कलितभूतरसभाय निवसतु नीतमृहामृतनिन्दिनि विन्दन मधुरि नकार
कृष्ण देव भवंतं वंदे जय राधे जय जय माधव जय ते जय माधव जय ते दामोदर रति वर्धन रेते हरि सुतवे Hare Krishna
ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ऐस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजी का प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने से पहले श्री नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। बोले कहाँ पर जन्म लिया था? एक चक्र नाम क्यों पड़ा? हाँ ठाकुर जी ने हाँ पहिया फेंका था, इसलिए वहीं पर उन्होंने वहीं पर गिरा था। इसलिए कृष्ण को पता था अगली बार जब मेरे बड़े भैया श्री दाऊ भैया आएंगे यहीं पर ही श्री दाऊ भैया जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए उस गांव का नाम एक चक्रा गाँव। अभी चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने से पहले जैसे कृष्ण जन्म लेने से पहले श्री दाऊ भैया जन्म ग्रहण किया, उसी तरह महाप्रभु जन्म लेने से पहले श्री नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण किया। उनको पिताजी का नाम क्या था? मैया का नाम पद्मावती, इसलिए इनकी गर्भ में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। और जन्म ग्रहण करते हुए जब इन्होंने जन्म ग्रहण किया, साधारण कोई मंत्री आए ना उनके लिए कितने स्वागत होता है, और साक्षात कहाँ दाऊ भैया आए, साक्षात अभी कृष्ण कन्हैया महाप्रभु आएंगे, इसलिए ये पृथ्वी संपूर्ण सधज गई एक दुल्हन की भांति, क्योंकि श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जगत में अवतीर्ण हो रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले भगवान जगत में क्यों अवतीर्ण होते हैं? बोले जब जब जगत में अधर्म का बढ़ना शुरू हो जाए, धर्म की हानि होने लग जाए,
गो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्री को ऊपर अत्याचार होती है तब तक भगवान जगत में अवतीर्ण होकर के धर्म को स्थापन और दुष्टों को संहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हैं, लेकिन ये काम तो भगवान वैकुंठ में भी बैठकर कर सकते हैं, किसी भक्तों को देकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन कहते भगवान जगत में आने का क्या कारण है? बोले कारण है, कहते केवल भक्तों को अपना प्रेम रस को आस्वादन कराना चाहते हैं, उनका जो विरह दुख को दूर करना चाहते हैं, इसलिए जब तक भगवान भक्तों का विरह दूर नहीं होता, भक्तों का भक्ति को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए, कैसे जन्म हुए इस जगत में? जब साधारण कोई बच्चा जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है? कहती है पति पत्नी का मिलन से, पति पत्नी का मिलन से इस जगत में जन्म ग्रहण करता है साधारण जो जगत का जो बच्चे। लेकिन भगवान तो अपराकृत है, सच्चिदानंद रूपाय भगवान, इसलिए भगवान हमारा जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कहते मेरे जो जन्म कर्म वो दिव्य अवलौकिक और अपराकृत हैं। इसलिए इन्हें कैसे जन्म ग्रहण किया? गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, जितने भगवान आए हैं इसको पहले, जैसे श्री दशरथ, श्री वसुदेव, श्री नंद, श्री कश्यप, ये सब भगवान का सब पिताजी है सबके सब। कहते जब श्री जगन्नाथ मिश्र आए, कहते इनके शरीर में ये सब के सब तदात्म होकर के प्रकट हुए, बोले इनके शरीर में मिल करके आए। जब सच्ची मैया आई, महाप्रभु का जो माताजी, इनके अंदर में श्री जसोदा, श्री कौशल्या, श्री अदिति माता, ये सब के सब श्री माँ जसो, श्री सच्ची माँ को अंदर में इस सब के सब आश्रय करते हुए आए सब के सब। तब एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र स्वप्न देखा, उनने क्या स्वप्न देखा? दे एक दिव्य ज्योति आकर के मेरे अंदर में प्रवेश किया और मेरे अंदर से जा करके श्री सच्ची मैया के हृदय में प्रवेश किया। उनने स्वप्न देखा ब्रह्म मुहूर्त में, और जब उनका नींद खुल गई, श्री जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं, बोले सच्ची मैंने को स्वप्न देखा है, एक दिव्य धाम जैसे मेरे हृदय में प्रवेश किया और मेरे हृदय से होते हुए और तुम्हारे हृदय में ये प्रवेश किया है, लगता है इस बार कोई महापुरुष जन्म ग्रहण करने वाले। जैसे कृष्ण जन्म होने से पहले जब माता देव की गर्भ धारण की, सारे देवता लोग आकर के बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य सत्यमृत सत्य नत्री सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपत्ति, सारे देवता लोग स्तुति कर रहे थे। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले सारे देवता हैं, कहते सब के सब स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा सूख नारद आदि, कहते क्या स्वप्न कर स्तुति कर रहे हैं? बोले जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, करे प्रभु जय जय महाप्रभु जनक सवार। ये कौन है? सभी के जो पिता है, मूल पिता श्री महाप्रभु। बोले जगत में अवतीर्ण क्यों हुए? बोले संकीर्तन हेतु, कलयुग में ये संकीर्तन धर्म को प्रचार करने के लिए महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल। कद भगवान कौन है? बोले साधु और विप्र को पालन करते हैं और अभक्तों को दमन, और जैसे अभक्त के लिए ये महाकाल जैसे हैं। बोले जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर, जे तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांडर वास, से तुमी सचि गर्भे करीला प्रकाश। सब देवता लोग क्या स्तुति कर रहे हैं? बोले प्रभु अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनकी हृदय में उदर में निवास है, लेकिन आज आप कृपा करके विश्व ब्रह्मांड आपका हृदय में,
लेकिन आज आप सच्ची माँ के हृदय में आप प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय कहते आपकी इच्छा मात्र से जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय संहार जगत में हो जाता है। इसलिए रावण कुंभकर्ण इनको मारने के लिए आपको कोई कष्ट नहीं लगता है, तभी आप कृपा करके भक्तों को पर भी कृपा करने के लिए युग युग में बोले सत्य युगे शुक्ल वर्ण धारण तप धर्म बुझाए आपने तप करे। इसलिए भगवान सत्य युग में आए, सत्य युग में जो युग धर्म था क्या है बोलो, तप है। इसलिए कृते जत धायते विष्णु, इसलिए ये सत्य युग में भगवान को कैसे प्राप्त करते थे, तपस्या करके लोग। इसलिए बोले तप धर्म बुझाए अपने तप करे, सत्य युग में आकर के स्वयं तपस्या करके अपने तप धर्म को बुझाया। बोले तृतीया ते रक्त वर्ण यज्ञ पुरुष बुझाए यज्ञ धर्म, तृतीया युग में युग धर्म क्या था, यज्ञ। इसलिए तृतीया में रक्त वर्ण धारण करते हुए आप श्री यज्ञ पुरुष रूप में आए और जगत को यज्ञ धर्म की शिक्षा दिया। बोले द्वापरे श्याम वर्ण रूपे पूजा धर्म सिखाओ अपने घरे घरे। बोले द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का उपाय क्या था, कहते श्री अर्चन। इसलिए भगवान द्वापर युग में श्याम वर्ण धारण करके आए, आकर के जगत में पूजा धर्म को घर घर में अपने ये पूजा धर्म को सिखाया। बोले कलयुगे विप्र रूपे पीत वर्ण, कलयुग में आप कैसे आए, बोले पीत वर्ण धारण करते हुए, पीत मतलब गौरव वर्ण। बुझाए बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म, बोले जगत में संकीर्तन धर्म को समझाने के लिए आप श्री सच्चिदानंदन श्री गौर हरि बन करके आए। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की जय। बोले भगवान जैसे मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य अवतार में क्या क्या बताओ, कौन बोलेगा बोलो, वेदों को लेकर के आए। हाँ, इसलिए कहते जो जिस समय प्रलय हो गया था उसमें मत्स्य अवतार में दो काम किया है, हैं? इसलिए प्रलय का समय में इन्होंने प्रलय में, हाँ कहते प्रलय अवस्था में कहते जो शंखासुर ने ये चार वेद धारण करके ले गया था, ऋग यजु श्याम और अथर्व। इसलिए भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हुए उनने चार ही वेदों को उन्होंने उद्धार किया। और कुरुम अवतार में क्या किया बोलो, मंद्राचल को भगवान ने अपनी पीठ पे धारण किया। बाबा सब पंडित सब जानते सब, इसलिए उन्होंने कुरुम अवतार में जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन का समय में ये मंद्राचल पर्वत धीरे 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 अंदर में जा रहा था, भगवान कुर्म अवतार धारण करते हुए पृष्ठ ऊपर में ये मंद्राचल पर्वत को धारण किया। बोलो बराह अवतार में क्या किया, पृथ्वी को भगवान लेकर के आए। हाँ कहते बराह अवतार में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बराह अवतार में उन्होंने वेद को भी उद्धार किया और श्री मधु कैटभ कहते इनको उन्होंने संहार किया, शांत गंगर मधु कैटभ को उन्होंने संहार किया। और बराह अवतार में क्या किया, विशेष करके किसको मारे थे, हाँ इसलिए जो बराह देव है ये जो हिरण्याक्ष मतलब किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए हैं, हैं नरसिंह अवतार में उन्होंने श्री हिरण्यकश्यप को वध किए, बराह अवतार में हिरण्याक्ष। कहते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मतलब क्या है, हिरण्य मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब आँखें, जिनके आँख में केवल सोना ही सोना, मतलब है ये जो सोने में कली की वास है, इसलिए ये सोने में। और बोले हिरण्य कश्यप, कश्यप मतलब क्या होता है, बिस्तरा, बोले जिसकी जो बिस्तरा केवल सोने का बिस्तरा, मतलब जो कली को निवास परीक्षित महाराज ये सुवर्ण में दिया है, हैं? इसलिए जितने पैसा के अंदर में जितने भोग है ना, ये सब के सब पैसा को अंदर में, और जहाँ पर ज़्यादा पैसा रहेगा ना, दिन भर वहीं पर मदिरा चलता रहेगा, वहीं पर मांस वहीं चलेगा, वहीं पर अवैध स्त्री संग चलेगा, वहीं पर जुआ चलेगा, कहते जितने सारे पाप का जो अधिष्ठान है ये ज़्यादा पैसा में, कि पैसा में। इसलिए कहते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप
जिनके आंखें हैं केवल सोना ही सोना, मतलब भोग बुद्धि। और कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, मतलब जिसकी भोग वृत्ति है। लेकिन इनको कौन मार सकते हैं? बोले भर भगवान बराह और भगवान श्री नरसिंहदेव। मतलब हमारी हृदय में भी वो भोग वृत्ति है, लेकिन इसको कौन दूर कर सकते हैं? कद भगवान बराह देव और भगवान श्री नरसिंह देव ये चीज को दूर कर सकते हैं। उसको बाद में फिर बुद्धावतार में आए। बुद्धावतार में उन्होंने क्या किया है बोलो? क्या किया? हाँ, इसलिए बुद्धावतार में भगवान जो अहिंसा धर्म को उन्होंने स्थापन किया है, इसलिए बुद्धावतार में कहते। उन्होंने श्री परशुराम अवतार में क्या किया? क्षत्रियों से भी किया। हाँ, उन्होंने क्षत्रिय जितने दुष्ट लोग थे क्षत्रिय रूप में आए थे, उनको भगवान ने परशुराम अवतार में उनको निक्षत्र किया है। इसलिए कहते रामावतार में उन्होंने क्या किया? मर्यादा की स्थापना करी और रावण को वध किया है। और धन्वंतरी अवतार में क्या किया? भगवान अमृत ले को किया है। वाह, सब बोल दे तो। इसलिए उन्होंने समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अवतार में अमृत कलश लेकर उठे और उन्हें अमृत को उन्होंने देवता को पान कराए। अवतार नारद अवतार में क्या किया? भक्ति का प्रचार किया। हाँ, इसलिए भगवान की भक्ति और विशेष करके उन्होंने भगवान की कीर्तन नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नाम, हर समय भगवान के गुण कीर्तन करते हैं। और नारद जगत का सबसे बड़े गुरु श्री नारद है, इनकी कृपा से ही हैं ध्रुव प्रहलाद जैसे जैसे वाल्मीकि जैसे हैं इनको उन्होंने उद्धार किया है। नारद अवतार में बोले व्यास अवतार में क्या किया? हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते व्यासावतार में यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि जो व्यास है भगवान की सत्याभ्यास अवतार कहते व्यास नारायण स्वयं। अभी हम लोग तो भगवान की महिमा हमें पता नहीं ना, भगवान की क्या महिमा है। कहते व्यासावतार में यहाँ पर कहते हैं हैं कहते व्यासावतार में भगवान अपना जो तत्व को उन्होंने व्याख्या किया। भगवान को ही भगवान का तत्व महिमा पता है, इसलिए उन्होंने अपना तत्व को जगत में प्रकाशित करके ये विभिन्न ग्रंथ रूप में उन्होंने जगत में प्रकाशित किया। कहते व्यासावतार में कहते भगवान कहते श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार में क्या किया? इसलिए उन्होंने जगत में हरि नाम संकीर्तन को प्रचार किया, जीवों को प्रेम प्रदान किया और सभी का हृदय में भक्ति की प्रदान किया। इसलिए यहाँ पर कहते भक्त रूपे और महाप्रभु का अवतार में कृष्ण स्वयं लेकिन एक भक्त रूप धारण करते हुए आए भगवान हैं। कारण क्या है? कहते साधु पावा बड़ो कष्ट जीवर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला न दिया। इसलिए महाप्रभु रूप में आए, उन्होंने देखा कलयुग में साधु क्या, किसको पता ही नहीं साधु पाधु क्या होता है, ये साधु करते हैं क्या नहीं करते किसको पता ही नहीं। इसलिए भगवान स्वयं एक साधु रूप धारण करते हुए अपना जीवन में साधु लोग करते हैं क्या की भक्ति करते हैं, इन्होंने जगत में एक साधु का आदर्श को उन्होंने जगत में स्थापन किया श्री चैतन्य महाप्रभु घर घर में जा कर के। हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अभी आएंगे। महाप्रभु अभी ये पृथ्वी इतने प्रसन्न, इतने पृथ्वी प्रसन्न हो गई, पृथ्वी का आनंद की सीमा नहीं। और भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, पृथ्वी आनंदित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देखो एक श्लोक है, अगर हो सके तो इस श्लोक को सब याद कर लेना, बहुत अच्छा श्लोक है। ये कहते हैं पदभ्याम भूमेर दिशो दीर्घभ्याम दुर्भींच मंगलम दिव बहुधोत्स्यादते राजन कृष्ण भक्त स नृत्यत। कभी जब भगवान के भक्त लोग जब नृत्य करते हैं तो इसका कितना महत्व है ये चीज को बता रहे हैं। बोले जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं कहते पदभ्याम भूमेर दृश्यो, जब भक्त लोग हाथ उठा करके कृष्ण प्रेम में नृत्य में झूमते हुए कीर्तन करते हैं, उसमें क्या होता है जब हाथ को ऐसे करते हैं कहते स्वर्ग में देवता लोगों का कल्याण होता है। मतलब यह साधु की महिमा है, हैं कि देवता लोग में अगर कोई कोई अमंगल हो, मतलब एक साधु कितने महान है ये चीज को बता रहे हैं। ऐसे हाथ करने पर स्वर्ग से सारे देवताओं का दुख कष्ट दूर हो जाता है।
केवल ऐसे नृत्य करने से। कत पादभ्याम, जब उनका चरण ये पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, कत ये पृथ्वी लोक का कल्याण होता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अब नीर सुसंपद सुन भाई हया एक मन। कहते ये पृथ्वी का असली संपद क्या है, कहते वैष्णव, जब कोई किसी वैष्णव को जन्म देती है पृथ्वी में, हैं कहीं जब कोई वैष्णव जन्म ग्रहण करते हैं, कहते पृथ्वी का असली संपत्ति ये वैष्णव का चरण है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा संपत्ति ये वैष्णव का चरण है, असली रत्न है पृथ्वी का है श्री वैष्णव का चरण। इसलिए जो हरिदास ठाकुर जी शरीर छोड़े, महाप्रभु क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर के लिए, बोले हरिदास छिल पृथ्वीर शिरोमणि तुमा बिना रत्न शून्य है मेदिनी। जब ये शरीर को छोड़े हरिदास ठाकुर, बोले तुम्हारी बगैर जो पृथ्वी रत्न शून्य हो गया। इसलिए पृथ्वी का जो असली रत्न है ये वैष्णव का चरण है, संतों की चरण ही असली है। तीर्थ जल पवित्र गुण लिखिया छे पुराणी से सब भक्तिर प्रवचन। कद जो कहते ना तीर्थ जाने पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, बोले ये भक्ति की प्रवचन है। लेकिन वैष्णव पादो तो को समान है यही सब, लेकिन वैष्णव का जो चरण जो चरणामृत है, इसको साथ में जगत का किसी वस्तु को हम बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं एक वैष्णव, लेकिन जब एक वैष्णव अपना प्रेममय दृष्टि को द्वारा जब देखते हैं चारों तरफ में जब देखते हैं, कहते उसको द्वारा क्या होता है, बोले संपूर्ण ये पृथ्वी जितना दूर तक उनको दृष्टि जाती है उतना दूर तक सारे अमंगल दूर हो जाता है। मतलब एक संतों की इतने महिमा हो सकते, इस श्लोक को याद कर लेना, बहुत बढ़िया श्लोक ये है। हाँ, इसलिए तब यहाँ पर कह रहे हैं इस श्लोक को वृंदावन दास ठाकुर इस श्लोक को उद्धृत करके कह रहे हैं, जब एक संतों की इतना महिमा है तब भगवान की कितना महिमा नहीं होगा। बोले जिनकी भक्तों की इतना महिमा, पर ठाकुर जी की कितना महिमा नहीं होगा, जिसकी संतों की जिसकी भक्तों की इतनी महिमा। हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। इसलिए कहते महाप्रभु जब जगत में आए, उन्होंने जगत में क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा बिरिंचिर भांचित जय प्रेम जगत फैली लढ़ाली। महाप्रभु ब्रह्मा शंकर नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु जगत में वो प्रेम को उड़ाल दिया सबको, हैं सबको उन्होंने वो प्रेम दिया। वो प्रेम को प्राप्त करते हुए सबके धन्य हो गए, और गंगा को भी उन्होंने सौभाग्य प्रदान किया। बोला अनंत ब्रह्मांड जत आछे सुमंगल, सही पूर्णिमाए आसी मिली ल सकल, संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहण रछ लेता करे न प्रचार। महाप्रभु जिस समय आए उसी समय में कत अनंत ब्रह्मांड में जितने सुमंगल है, जिस दिन महाप्रभु जन्म हुए सारे सुमंगल एकत्रित हो गए। और महाप्रभु जब जगत में आ रहे थे सबको हरि भक्ति देने के लिए, हरि नाम देने के लिए, लेकिन उसी समय तो हरि का नाम कोई नहीं लेते थे सहज में, हैं उन्होंने सोचा ऐसे कुछ काम करे, मैं जिस समय आऊँगा सबके सब हरि बोल प्रभु का नाम लेते हुए तभी मैं आऊँगा। इसलिए उसी समय में चंद्र ग्रहण हुआ। जब चंद्र ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण के बाद में लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करते हैं, ठीक शाम का समय में जब चंद्र ग्रहण हुआ, सबके चंद्र ग्रहण के बाद में सब लोग गंगा में हरी बोल करते करते स्नान करने के लिए जा रहे थे, ठीक उसी समय में श्री सच्चिदानंद गौर हरि ठीक उसी समय में अवतीर्ण हुए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, बोले चतुर्दिगे पुष्प वृष्टि करे देवगण। देवता लोग क्या कर रहे थे, आकाश मार्ग से पुष्पों को बौछार कर रहे थे। जय शब्दे दुर्लभ बाजय अनुख्यान, सबके सब जय ध्वनि दे रहे थे। बोले है नई समय श्री जगत जीवन अवतीर्ण हिले न श्री सचिनंदन। ठीक उसी समय में श्री चैतन्य महाप्रभु उसी समय में
जन्म ग्रहण किया है। बोले सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। हाँ देखो, जो कल से हम लोग भगवत गीता शुरू करेंगे, हमारे पुरी में श्री बोधायन महाराज भगवत गीता, वहाँ पर बच्चों को भगवत गीता पढ़ाते हैं, और वो गीता जब सुनते हैं ना, वहाँ के जो भक्त लोग रोज रोज एक एक श्लोक याद करते हैं, केवल श्लोक याद नहीं, उसको साथ में जो टीका है, चलो विश्वनाथ चौठार बलदेव विद्याभूषण प्रभु, ये टीका को साथ में बच्चे लोग बोलते हैं। इसलिए अभी तुम लोग कोशिश करना एक एक श्लोक याद करने के लिए, अभी तुम लोग बच्चे हो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 5 मिनट में एक श्लोक, 1 मिनट में एक श्लोक याद कर सकते हो, ठीक है ना? श्लोक याद होता है, ठीक है, श्लोक याद करना, और उसको साथ साथ में मैं कल पढ़ करके आऊँगा, मैं बोलूँगा पहला श्लोक को, हम कोशिश करेंगे कल पहला श्लोक को हम बोलेंगे, जिसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत दुजुस्सवा माम कहा पांडव सैवम किम अकुर्बन संजय, ये श्लोक हो गया। लेकिन ये श्लोक में क्या भावार्थ है? ये धर्म क्षेत्र क्यों बताया, इसको कुरुक्षेत्र क्यों बताया, समवेत जुजुस्सव वहाँ युद्ध करने के लिए सब एकत्रित हुए थे, फिर वो प्रश्न कर रहे हैं उन लोगों ने किया क्या, उसमें जो रहस्य है वो टीका में उसका रहस्य बताया है, टीका में उसकी रहस्य बताए। कल हम भगवत गीता, और जो गीता है हमारे हिंदुओं का, जैसे क्रिश्चियन का बाइबल है, मुसलमान का कुरान है, और हिंदुओं का कौन सा ग्रंथ, यह हमारी भगवत गीता है, हैं? इसलिए कल से ये भगवत गीता को हम लोग पाठ करेंगे, और आप भी कोशिश करने, याद करने के लिए, याद होता है आपको? हाँ, कोशिश करने, याद करने के लिए। प्रभु जी आपको भी याद होगा? हाँ देख लीजिए, हाँ ये भी मास्टर है, हाँ आपको द्वारा प्रभु जी ना इतने बढ़िया है, आप कोशिश करना उसको पढ़ करके बोलने के लिए, थोड़ी थोड़ी आपको देख करके बच्चे लोग के अंदर में भी उत्साह आएगा। आप देख लेना गीता पढ़ करके ना, क्या सुंदर उसमें व्याख्या है, हैं? हमारे गोस्वामियों ने क्या अद्भुत व्याख्या किया है, अद्भुत व्याख्या किया। अभी कल से, ठीक है ना? इसलिए भगवत गीता प्रारंभ करेंगे, आप लोग श्लोकों को याद करना, और उसको जो व्याख्या को भी थोड़ी थोड़ी याद करना, और कोशिश करना जितना समझ पाए उतना बोलने के लिए तुम लोग। अगर आप लोग अगर कोशिश करोगे, आप लोगों को पर कोई प्रेशर नहीं देंगे, अगर चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रेशर नहीं, केवल आप लोग सुनना, ठीक है? हाँ नहीं, तुम ब्राह्मण है ना, अभी तुम्हारे अंदर जोश है, अच्छी बात है। नहीं जो चाहे वो सीख सकते हैं, हाँ हाँ इसे नहीं, हम देखता हूँ ना तो जिसको बोलता हूँ याद करने के लिए, फिर कभी कभी क्लास में नहीं आते, बोले महाराज हमको पूछे नहीं, इसलिए आपको पूछेंगे नहीं। हाँ जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को, हम छोटे छोटे बच्चों को हम कोशिश करेंगे इनको ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि यही लोग भविष्य हमारे भक्ति जगत में, यही लोग भविष्य है, बच्चे का भविष्य है, इसलिए ठीक है। हाँ राहुल याद करना श्लोक, तुम तो ये भी वहाँ पर 2-3 दिन बोला था। हाँ बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय। हाँ देखो हम तो थोड़ी समय बैठ कर हरि नाम करेंगे, ठीक है? हाँ 10-20 मिनट बैठ कर हरि नाम करेंगे, उसके बाद में सबके सब जाना। हाँ आप लोग बैठ कर के